सीबीआई ने सुखजिंदर सनी का हैंडराइटिंग लैके उसका कंपैरिजन कराया सीगा ते सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने रिपोर्ट दी सी भी ये हैंडराइटिंग जिहड़ा पोस्टर ते हैगा ये सुखजिंदर सनी का नहीं है। फर्जी सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। ये दोबारा हुण फिर सुखजिंदर सिंह सनी की हैंडराइटिंग लैके उसकी फिर कंपैरिजन रिपोर्ट पंजाब लैबोरेटरी तो लैन की कोशिश कर रहे थे। देखो किड्डी हैरानी की गल है, ये तीन डेरा प्रेमियों के गिरफ्तारी वारंट लै रहे हैं। डेरा मुखी की गिरफ्तारी के बारे इन्होंने कोई दरखास्त माननीय अदालत नहीं दी। पंजाब पुलिस की कार्यशैली बारे हर एक बंदा जानता भी कितनी काबिलियत है पंजाब पुलिस की। बेअदबी मामले की जांच कर रहे नवी SIT वालों अपना पहला चलान जो है वो पेश कर दिया गया है। साढ़े नाल बचाओ पक्ष के वकील मोंगा जी मौजूद ने। मोंगा जी, जो चलान पेश किया गया है कि व्यक्ति शामिल ने, की कुछ है इस चलान के विच ते कि FIR सी अपनी? देखो अज 128 नंबर FIR PS बाजेखाने का जो चलान है वह सिट ने पेश किया है। वो मेन दोषी है शक्ति सिंह है, सुखजिंदर सनी है, तो बलजीत सिंह है, तो दो मुलजमान का नाम मैं याद नहीं गा। उन्होंने बरखिलाफ इन्होंने साड़ी गैर हाजिरी चलान पेश किया। चलान की कापियां नहीं हले सानू मिलियां, तो 20 तरीक है उस डेट फिक्स है, 20 तरीक से दोषियों तलब करके जेल चो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कापियां दी जाएंगे। फिर पता लगेगा भी उस चलान के इन्होंने की तफ्तीश करके की कि गवाह उन्होंने की गवाही है वो रखी है। इस तो अलावा अज 117 नंबर का भी इन्होंने चलान पेश करना सी, लेकिन पर चांस साड़ी मानयोग हाई कोर्ट दे विच पेशी सी अज, क्योंकि 117 नंबर दे विच पहला CBI ने सुखजिंदर सनी का हैंडराइटिंग लैके उसका कंपैरिजन कराया सीगा ते सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने रिपोर्ट दी सी भी ये हैंडराइटिंग जिहड़ा पोस्टर ते हैगा ये सुखजिंदर सनी का नहीं है। हुण ये दोबारा पता नहीं किहड़ी इन्हां दी की साजिश है ये सिट दी जां की ये चाहुंदे है। मैं तो यही कहूँगा भी ये दोबारा एक फर्जी सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। ये दोबारा हुण फिर सुखजिंदर सिंह सनी की हैंडराइटिंग लैके उसकी फिर कंपैरिजन रिपोर्ट पंजाब लैबोरेटरी तो लैन की कोशिश कर रहे थे। स्टे वगैरह भी होया हुण किसे FIR असीं उहदे बरखिलाफ 482 CRPC की पटीशन पाई सी, उहदे अज सुनवाई सी। पर चांस तो उत्थे मानयोग जज साहब ने स्टे ऑर्डर जारी करता भी 117 नंबर दे विच तुसीं हाले चलान नहीं पेश करना, और उस 15/7 आही डेट है, 15/7 नूं वड्डी उम्मीद है भी वह उत्ते बहस हो के मानयोग हाई कोर्ट शायद कोई फैसला कर दे। दोनों FIR नूं लैके कन्फ्यूजन हैगा जिहड़ा, दोनों थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो भी कि FIR कि मामले की हैगी है? देखो 117 नंबर जी FIR है वह दोष ये लगे है भी इन्हां डेरा प्रेमियों ने गुरु ग्रंथ साहब के बेहरमती करते हुए अद्धे लफ्ज भद्दी शब्दावली पोस्टर की शक्ल के इन्होंने लाए सके। 117 नंबर तो वह FIR है। 128 नंबर FIR दोष ये है भी गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े अंग है वह खिलारे से, आह फर्क है दोनों बस। हाल की स्थिति गल करिए हूँ चलान भी पेश हो गया है, पहला चलान हैगा है। की लगता है इस तो बाद हुण प्रक्रिया किस तरीके रहने वाली है, हुण चलान की कॉपी कदों तक मिलने की उम्मीद हैगी है? चलान की कापी तो जी देखो ऑफिशियली तो सानू 20 तरीक नूं मिलेगी, 20 तरीक नूं मिलेगी, तो फिर ही पता लगेगा भी इन्होंने किहड़े किहड़े गवाह रखे है, उन्होंने की गवाही है, जां इन्हां दा मोडस ऑपरेंडी की है, की कुछ इन्होंने किया तफ्तीश दे विच, की नवी चीज़ है की नहीं है, तो इन्ना ही है बस। कुछ पता लग सके हुण तक? वैसे गल करिए भी कोई मेन व्यक्ति किसे शामिल किया गया, चाहे डेरा प्रमुख की गल कर ली या किसी होर दी? नहीं देखो डेरा प्रमुख वाले की जिहड़ी इनवॉल्वमेंट है ना वह तो 63 नंबर FIR च है। 63 नंबर FIR दे विच पहला जिहड़ा इन्होंने फाइनल रिपोर्ट पेश की थी, तो हेठों इतों इलाका मिनिस्टर ने डेरा मुखी नूं बतौर मुलजम नामजद करन दी इतलाह दित्ती सी, ते इस तों इलावा तीन जिहड़े मेन दोषी फरार है डेरा प्रेमी उन्होंने वरंट जारी किए। देखो किड्डी हैरानी की गल है, ये तीन डेरा प्रेमियों के गिरफ्तारी वरंट लै रहे हैं। डेरा मुखी की गिरफ्तारी के बारे इन्होंने कोई दरखास्त माननीय अदालत में नहीं दी, सिर्फ उन्होंने नामजद किया एज दोषी बस, वो दूगा कुछ नहीं है। जिहड़े वो तीन मुलजम फरार है जिहड़े इन्हां दे मुताबक उन्होंने सिर्फ वरंट जारी करवाए थे,
वो तो काफ़ी देर तो लापता है, उन्हों का हाले तक कोई वरंट एग्जीक्यूट होकर नहीं आया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिमें कुंवर विजय प्रताप ने जाँच की सी, उस तो बाद नवी एस आई टी बनी है, कोई फर्क लगे कार्यशैली नहीं? देखो गल ये है, पंजाब पुलिस की कार्यशैली बारे हर एक बंदा जानता भी कि काबिलियत है पंजाब पुलिस की। मैं देख के हैरान है, मानयोग अदालत दे विच पंजाब पुलिस का एक इंस्पैक्टर सिट का इंस्पैक्टर दलबीर सिंह, वो सी बी आई की इन्वैसटीगेशन जी एस पी रैंक ने की है उन्होंने चैलेंज करी जाता। और हैरानी की गल यह है भी 127 नंबर से 128 नंबर एफ आई आर जी ये तफ्तीश की है ना, वो हासो ही नहीं है। एक कोई आह स्टेशनरी वाला दुकानदार है, वह 2-2.5 साल बाद बयान लिख लिया भी इस तरह करके जी मैं फलानी जगह पर गया सीगा, तो उत्थे मैं जो बंदा देखा तो मैनू उदों याद आया भी यह बंदा मेरे को 4 कागज़ तो एक मार्कर लेके गया सी। 2-2.5 साल बाद एक दुकानदार किवें गल कह दूगा भी वो 2-2.5 साल पहला किहड़े किहड़े गाहक आउंदे सी तो की लैके गए, आह तो उहदी गवाही है। जां इह मिंदरपाल बिट्टू की जिहड़ी कन्फैशनल स्टेटमेंट है 33 नंबर एफ आई आर की, जां उहनूं वरती जांदी है, आह तफ्तीश इन्हां ने की है। हुण 20 तरीक जिहड़ी हैगी है किस तरीके की रहने वाली है चलान की कापी, उस तो बाद तुहाडी तैयारी किस तरीके की होगी? देखो 20 तरीक नूं हले सानूं कापियां मिलणगियां, उस तो बाद फर्ज जुर्म लगना है जिन्हों चार्जशीट कहते हैं, चार्जशीट फ्रेम होनी है, असं उस बहस करा। हाँ भी हले पहला तो इन्हों की इन्वैसटीगेशन ही कंप्लीट नहीं है, हले भी नहीं पता भी इन्होंने बिना सेंक्शन तो ही शायद चलान पेश करता हो 128 नंबर च, क्योंकि कोई भी बेहरमती का केस है उस पहला स्टेट गवर्नमेंट की जी है सेंक्शन लैके फिर चलान पेश होंगे। लेकिन अजकल ट्रेंड ये है कि पुलिस वाले बिना तफ्तीश मुकम्मल किए, बिना सेंक्शन लिते, बिना लैबोरेटरी दी रिपोर्टां लिते एक बारी तथमुथ करके जिहड़ा चलान है वो कोर्ट छड्ड जांदे है। ना कोर्टां इस गल दा इतराज़ करदियां, हालांकि कई फैसले अपनी हाई कोर्ट दे आए आ भी इनकम्प्लीट चलान जिहड़ा है वो वैलिडिंग आ, लेकिन कुछ जजमेंट यह भी है भी ठीक है जी कोई गल ही वैलिड भी है। ला दी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है, बिल्कुल मौका जी साढ़े मौजूद सके 20 तरीक जो डिसाइड की कि 20 तरीक न चलान की कापी जो ने सारे व्यक्तियों मिल जाएगियाँ। फिलहाल की गल करिए जानकारी निकल के सामने आई है कि नवी एस आई टी वालों चलान पेश कर दिता गया है, जो डेरा प्रेमी जिन्हें नाम हूँ चल रहे थे उन्होंने सारे इस नोमीनेट किया गया। फिलहाल वेखते हैं 20 तरीक तो बाद की प्रक्रिया किस तरीके की रहने वाली होगी। फरीदकोट तो कैमरा पर्सन राजेश बागड़ी देना सूरज प्रकाश दैनिक सवेरा टीवी। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी और काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे को है, मेरे किते नू कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे वस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।